आंद्रे रसल ने 4 ओवर में 75 रन ठोक कर कोहली के मुंह से विराट जीत केकेआर के लिए छीन ले गए। आइए आपको बताते हैं आखिर ये सब करिश्मा हुआ क्या, पूरी बात क्या है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली के 84 और एबी डिविलियर्स के 63 रनों की बदौलत आरसीबी ने आज 205 रन का विशाल लक्ष्य का टारगेट दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। ऐसे में कोलकाता के लिए उतरे क्रिस लिन और सुनील नारायण ने एक सदी हुई शुरुआत दी और पहले 28 रनों के लिए उन्होंने बिना कोई विकेट गवाए एक सदी हुई शुरुआत दी। उसके बाद आए बल्लेबाजी करने रॉबिन उथप्पा और नीतीश राणा ने भी 33 और 37 रन की पारी खेली, लेकिन ऐसे में अब अंतिम 4 ओवर में 75 रन चाहिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतने के लिए और उम्मीद थी कि शायद आज आरसीबी अपनी पहली जीत लेके वापस जाएगी इस मैदान से और बेंगलोर में उसके दर्शक होंगे खुश। लेकिन यहीं से आंद्रे रसल वापस आते हैं। जी हां, नीतीश राणा का विकेट गिरता है और आंद्रे रसल मैदान पे आते हैं और उसके बाद जो होता है शायद विराट कोहली के लिए एक सपना, एक बुरे सपने से भी बदतर होगा। जी हां, आपको बता दें कि आंद्रे रसल ने उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्के और 1 चौका लगाया और मात्र 13 गेंदों पे 48 रन बना के फिर से जीत छीन ली विराट के मुंह से। जी हाँ, उन 4 ओवर में 75 रन ना केवल ठोका बल्कि ऐसे वो जीत छीनी कि विराट कोहली की आंखों से आंसू छलक गए। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल बताएं, क्योंकि इस पूरे मैच की हाईलाइट ऐसी है कि जहां अगर हम बात करें तो 50 ओवर से भी कम के मैच में, यानी 40 ओवर के मैच में 36 ओवर में आरसीबी जीत रही थी, लेकिन अंतिम 4 ओवर में आरसीबी ऐसी हारी कि अब वो आईपीएल के प्लेऑफ से भी बाहर हो गई।